Hi there, welcome to another video of the Feather Curse. ये लेक्चर नंबर 3 है. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के बारे में, यानी इफ कंडीशंस, फॉर लूप्स वगैरह, वाइल लूप्स वगैरह, फंक्शंस, क्लासेस, तो हम किस तरह यानी ये चीज़ें फिर जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट को हम JS भी कह देते हैं. इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर है. इसको हम यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, और ये क्लाइंट साइड पे मोस्टली यूज़ होती है. और अब इसका एक यानी सर्वर साइड भी हमारे पास अवेलेबल है इन्वायरमेंट, जिसको हम Node.js कहते हैं, ठीक है. तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और ये एक वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज है जो करंटली अभी यूज़ हो रही है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है. तो जो भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें 80-90% रोल जो है वो जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है. अभी करंटली जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है टाइप स्क्रिप्ट का, लेकिन बट टाइप स्क्रिप्ट भी जो है वो सेम ही जावास्क्रिप्ट की तरह ही है. बस ये होता है कि जो टाइप स्क्रिप्ट होती है उसमें हम सिर्फ टाइप्स डिफाइन कर देते हैं, या कोई भी वेरिएबल्स या जो भी चीज़ की होती है, तो वो टाइप स्क्रिप्ट बन जाती है. वैसे वो होती जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है. ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह कौन कौन सी डाटा टाइप्स बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है. कौन से हम कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशंस, एल्स इफ और एल्स कंडीशंस, ठीक है. उसके बाद लूप्स वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फिर उसके बाद फंक्शंस, एरो फंक्शंस, ठीक है. और उसके बाद क्लासेस वगैरह, और किस तरह हम क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अकॉर्डिंगली, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम अभी इसको कोड करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि किस तरह हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो ये कोड है जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, जिसमें हमने एक सिंपल सीन बनाया था यूजिंग दी फेजर, ठीक है. अभी के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. डाटा टाइप्स के लिए ठीक है, जिस तरह हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेज हैं, कोई भी सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, या हमारे पास कोई भी अदर लैंग्वेज है, तो उसमें हम कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह इंटीजर है, फ्लॉट है, ठीक है, स्ट्रिंग है, चार है, ठीक है, करेक्टर के लिए, ठीक है. इसी तरह हमारे पास एक बूलियन है, बूल, ठीक है. लेकिन जो है ना जावास्क्रिप्ट, इसमें हमारे पास कोई डाटा टाइप्स वगैरह नहीं होती, ठीक है. इसमें हमारे पास सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या हम उसको एज अ लेट कर सकते हैं, या हम उसको कॉन्स्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले वेरिएबल, ठीक है. वेरिएबल क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि मेरे पास ये काउंट है, ठीक है. इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, काउंट प्लस प्लस प्लस, ठीक है. ये क्या करेगा, ये थोड़ा फास्ट वर्क करेगा और इसको ज़्यादा चेंज करेगा, ठीक है. सेम इसी तरह मेरे पास दूसरा है लेट, ठीक है. लेट क्या है कि ये भी वेरिएबल ही की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें चेंज जो है ना, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ा चेंज चाहिए हो, ठीक है. यानी मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैंने एक दो बार चेंज करना हो, या मैं मतलब कि जिसमें काउंट चेंज ऑफ काउंट जो है ना वो मेरे पास थोड़ा लेस है, ठीक है. अगर मुझे ज़्यादा चेंज चाहिए, ज़्यादा उसको चेंज करना है, तो मैं वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ. तो अगर मुझे थोड़ा चेंज करना है उस वैल्यू को, तो मैं लेट यूज़ कर सकता हूँ. तो बाकी मोस्टली क्या है कि हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, तो इससे कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है. दोनों जो है वेरिएबल्स के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लेट बी और वेर बी, ठीक है. जिस तरह मेरे पास अगर मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है. इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, ठीक है. अब ये क्या है कि इसमें अब क्या है कि अगर मैंने इंटीजर रखना है, तो मैं डायरेक्ट उसको 5 वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है. कुछ भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है. अगर मैं इनिशियलाइज नहीं भी करूँगा तो फिर भी इट्स ओके, ठीक है. तो मैं अगर इसको फ्लोट बनाना चाहता हूँ, तो मैं 5.3 कर दूँगा, ठीक है. इसी तरह अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है, तो मुझे सिर्फ इसको इस तरह कर देना, ठीक है. अगर मुझे करेक्टर बनाना है, चार बनाना है इसको, ठीक है. लेट, तो मुझे सिंपल इस तरह कर देना, ठीक है. और दूसरा ये कि जो जावास्क्रिप्ट है, इसमें एंड पे आप अगर सेमी कॉलम लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लगा लें. अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है.
सो ज़्यादा प्रोफेशनल अगर हम देखें तो सेमीकॉलन लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब कंपाइलर जो जब इसको कंपाइल करेगा, जब इसको रन करेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे लाइन जो है ना वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मुझे कोई बूलियन बनाना है इस गेम रनिंग, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली जो है ना फॉल्स या ट्रू कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बूल बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास कोई भी डाटा टाइप्स नहीं होती, यानी स्पेसिफाई कोई टाइप नहीं है, जिस तरह हमारे पास, यानी मैंने अगर कोई एंटी प्लॉट डिक्लेयर करना है तो मुझे यहाँ पे प्लॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे सिंपल एक वॉर लेना है या लिट लेना है, इन दोनों दोनों में से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे हमारे पास है ना कॉन्स, ये मेरे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसको जब मैं डिक्लेयर कर दूंगा ना, तो उसके बाद मैं वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज के मैं कह देता हूँ एज इज इक्वल टू 22, ओके, राइट। सो अब अगर मैं एज को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक, सो अब मैं वो जो है ना वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको मैं जो है ना इस कोड को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये ना कि आप CMD ओपन कर लें और CMD से रन कर लें, दूसरा ये कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी हम इस टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर मेरे पास ये पावर शेल ओपन हो गया, मैं इधर लिखूंगा npm रन डेव, ओके। तो इसको जैसे मैंने रन किया है तो उसने इधर एरर दे दी, कैन नॉट असाइन टू एज बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो मसला क्या है कि मैंने जो कांस्टेंट है उसको मैंने दोबारा से एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। सो कांस्टेंट क्या होते हैं कि जब भी मैं कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करूँगा तो मुझे उसकी कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी जो मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इस जगह पे एरर आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशलाइज, ठीक है। सो मुझे इसको वैल्यू इनिशलाइज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं किसी भी वैल्यू के साथ इसको इनिशलाइज कर सकता हूँ, ओके, राइट। सो अब ये हो गया हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स, ठीक है। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग है, हाँ, लेट्स सपोज के मेरे पास जो, अब हम थोड़ी कन्वर्जेंस देख लेते हैं कि अगर हमने एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जाना है तो वो हम किस तरह जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के मेरे पास एक है लेट माई एज, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो है ना अब स्ट्रिंग में है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं इंटीजर में वैल्यू लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पार्स, ठीक है, पार्स। तो मैं इसको अगर फ्लोट में लेना चाह रहा हूँ, अब अगर मुझे पता है कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये मेरे पास फ्लोट में है, यानी ये 20 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई एज, इसको इस तरह पास कर देना पड़ेगा और ये मुझे रिटर्न करेगा माई एज। तो उसको मैं दोबारा इस वैल्यू के अंदर स्टोर कर दूँ, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये उस जो स्ट्रिंग होगी उसको 22 फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी अगर ये होगी 22.4 तो ये इसको माई एज को कर देगा 22.4 डायरेक्टली, ठीक है। सो अब ये स्ट्रिंग नहीं रही, अब ये क्या बन गया, एक फ्लोट बन गया, लाइक जिस तरह ये हमारे पास एक काउंट का वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इधर कर देता हूँ इंटीजर, ठीक है, सो इससे क्या होगा कि ये इसको 22.4 को 22 कर देगा, ओके, राइट। सो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपनी किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर्स में या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, राइट। सो ये था कि हमने देखा कि किस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं अपनी किसी भी इंटीजर को किसी स्ट्रिंग को हम किस तरह एक इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इसमें आपको स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा, इधर हमें फ्लोट रिटर्न कर देगा और इधर हमें वो इंटीजर रिटर्न कर देगा, ओके, राइट। सो ये था हमारे पास कुछ डाटा टाइप के बारे में, ठीक है। अब इसी डाटा टाइप के अंदर एक हमारे पास चीज़ आती है अरे, ठीक है, जो कि हम एज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं और
इसको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक, यानी अगर मुझे कोई एपीआई पॉइंट पे कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, रिसीव करना है, तो वो सारा काम जो है ना वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए होता है। ओके राइट। सो अब क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, जेट। ठीक है, इसका क्या मतलब कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके राइट। सो अब क्या होता है कि जब मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज वेरिएबल, ठीक है, अबाउट मी इज इक्वल टू इस तरह, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अब इसने आपने डायरेक्ट वैल्यूज असाइन नहीं करनी, आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, जिस तरह अरे बनाने के लिए आप क्या करते हो, बड़ी ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेनी। उसके बाद क्या लिखना है आपने इधर, अपनी वैल्यू, ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास की, और उसके आगे अपने कॉलन लगा के अपनी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। सो मैं वैल्यू लिख दूंगा। फिर आपने अगर दूसरा पैरामीटर उसके अंदर ऐड करना है, तो कॉमा लगा के आप दूसरा पैरामीटर ऐड कर दोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओके राइट। सो अब जो है ना, ये मैंने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, अबाउट मी डॉट एज, ठीक है, या अगर मुझे नेम चाहिए तो नेम, ठीक है, अगर मुझे चैनल चाहिए तो चैनल। ओके राइट। सो इस तरह क्या उस, मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ये चीज़ बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, तो इसमें ना हमारे पास दो जो है ना, बहुत ऑपरेशंस जो है ना कॉमनली यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्ट्रिंगीफाई, एक हमारे पास होता है पार्सिंग, ठीक है, पार्सिंग, और दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। स्ट्रिंगी पार्सिंग में क्या होता है, पार्सिंग में ये होता है कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंगीफाई से उसको वापस ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंगीफाई में क्या होता है कि हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम स्ट्रिंग्स लगा देंगे। स्ट्रिंग्स किस तरह लगेंगी कि इसको ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे वो कर देगा सारे को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंगीफाई हो जाएगा। इसको हम करके देखते हैं ये किस तरह होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको हम कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल लॉग, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, जेसन लिखना है, ठीक है, डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये हमारे पास दो ऑपरेशन आ गए हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंगीफाई। और इस जगह पे आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो पास कर देना, अबाउट मी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब भी हम डाटा, मैं इधर से अभी आपको इस चीज़ में शायद बारे में समझ ना आए कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, लेकिन इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यानी अगर मैंने डाटा इधर क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे सेंड करना है, तो मैं इसको पहले स्ट्रिंगीफाई करूँगा, फिर मैं इसको सेंड करूँगा, और सर्वर साइड के ऊपर जाके मैं क्या करूँगा, पहले उसको पास करूंगा, फिर मैं उसको यूज़ कर सकूंगा, ठीक है। सेम लाइक दैट, अगर मैंने सर्वर से डाटा सेंड करना है क्लाइंट साइड पे, पहले मैं उधर से स्ट्रिंगीफाई करके उसको सेंड कर दूंगा, फिर इस साइड पे, क्लाइंट साइड पे मैं उसको क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, ठीक है। अब जब हम स्ट्रिंगीफाई करते हैं ना, तो वो क्या करता है, उस डाटा को एक स्ट्रिंग में ले आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो जो कि डाटा ट्रांसफ़र करना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके राइट। अब हम इसको देखते हैं ज़रा कि हमारे पास क्या आउटकम आती है। सो मैंने इसको किया है सेव, ठीक है। तो सेव करने के बाद इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास रन हो गया। तो इसको आपने क्या करना है, अपनी सर्वर अपनी किसी भी फेवरेट ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करके आपने F12 प्रेस करना है, या आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके राइट। सो अब आपने आ जाना इस जगह पे, इस जगह पे आपने आना है ऑल मैसेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस जगह पे आप अगर देखेंगे, तो ये क्या हुआ है, उसने नेम के साइड पे क्या कर दिया है, स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग कर दिया, एज को भी स्ट्रिंग कर दिया, और चैनल को भी स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। सो क्या हुआ है कि उसने उसको पूरे को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अभी हमने देखा है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंगीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास कोई डाटा स्ट्रिंगीफाई हो, उसको हम पार्स किस तरह कर सकते हैं, तो सेम लाइक दैट, अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे जैसन डॉट पार्स, ठीक है, और उसके अंदर हम अपना स्ट्रिंगीफाई वाला डाटा पास कर देंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, पास कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि इसने इसको क्या किया है, स्ट्रिंगीफाई कर दिया है।
पहले पहले स्ट्रिंगीफाई की है, फिर उस स्ट्रिंगीफाई को उसने क्या कर दिया वापस जैसन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एज, चैनल नेम, ये सारी चीज़ें जो है ना सेपरेट सेपरेट आ रही हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। सो ये जो दो बेसिक ऑपरेशंस थे जो हम जैस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, जैसन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके राइट, अभी हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं अरे क्या होती है। अरे क्या होती है कि कोई भी हम लेट करके या वार करके हम क्या कर सकते हैं, एक अरे बना सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है यूज़र्स, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र्स इज इक्वल टू लाइक दैट, ठीक है। इस जगह पर मैं एक जैसन ऑब्जेक्ट की अरे बना सकता हूँ, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल नेम्स की अरे बना सकता हूँ या स्ट्रिंग्स की अरे बना सकता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र वन, ठीक है, यूज़र टू, ठीक है, यूज़र थ्री। क्या अब ये मेरे पास क्या बन गई, स्ट्रिंग्स की अरे बन गई। सेम लाइक दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र्स एच, ठीक है। तो इस तरह भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक अरे बना सकता हूँ। ये मैंने इंटीजर्स की अरे बना दी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह मैं बना सकता हूँ अरे जैसन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। तो ओके राइट, सो अभी हमने देखा है कि हम किस तरह अरे बना सकते हैं। तो अरे को क्या करना होता है, जब अरे में कोई भी वैल्यू गेट करनी है किसी भी इंडेक्स के ऊपर, तो ये 0 से स्टार्ट होती है और टोटल लेंथ -1 तक चलती है, ठीक है। यानी अगर मुझे पहली वैल्यू गेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स ऑफ 0 पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे दूसरी वैल्यू गेट करनी है तो यूज़र्स ऑफ 1 पर जाना पड़ेगा। अगर तीसरी वैल्यू गेट करनी है तो यूज़र्स ऑफ 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है बेसिक ऑपरेशन के किसी भी वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम इस अरे के ऊपर काफ़ी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम इस तरफ जाएं, सो हम फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, फाइंड इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। एवरी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, ज्वाइन, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। पुश पॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐड करने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइस कर सकते हैं, सम सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं, सप्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑपरेशन के बारे में हम मज़ीद आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास डेटा टाइप्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस। इसमें हमारे पास ना 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या होती हैं, 3 टाइप्स की हमारे पास, इसको इस तरफ, ठीक है। 2 तरह हम कमेंट्स लिख सकते हैं। एक तो ये है कि अगर सिंगल लाइन लिखना है तो उसके लिए हम डबल कोट्स, डबल फॉरवर्ड स्लाइस, ठीक है। और अगर हमें मल्टी लाइन लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्लाइस, उसके बाद स्टार, ठीक है, फिर स्टार। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो है ना कंडीशंस देख रहे हैं हम। कंडीशंस जो है ना हमारे पास 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक होती है इफ़ कंडीशन, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एल्स इफ़ कंडीशन, ठीक है। और लास्ट पे होती है एल्स कंडीशन। ओके राइट, सो अगर मैंने कंडीशन लगानी है कि इफ़ एज ग्रेटर देन 20, ठीक है, एज हमारे पास डिक्लेयर नहीं है, सो आई थिंक माई एज, ठीक है। अगर माई एज ग्रेटर देन 20 देन कंसोल लॉग योर एज, +20। ओके राइट, सो अब अगर हम इसको देखें, एज जो है वो करंटली 22 है, तो इसने इधर शो कर दिया योर एज इज 20+। ओके राइट, ये हमने देखा है कि हम किस तरह इस तरह कंडीशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट जो है हम किसी भी यानी चीज़ के ऊपर इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जो कंडीशंस हैं वो
इक्वल कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम इस तरह भी इक्वल चेक कर सकते हैं और इस तरह भी इक्वल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों ऑपरेटर्स में, ठीक है। जो ये वाला ऑपरेटर है ना, इसमें क्या होगा जब हम इसको यूज़ करेंगे, सो ये क्या करेगा, सिर्फ जो है ना कंपेरिजन करेगा बिटवीन दी वैल्यूज एंड इट विल नॉट चेक दी डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या करेगा, वैल्यू वन ठीक है इक्वल टू वैल्यू टू, तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न कर देगा। यानी लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक साइड पे है 22 और दूसरी साइड पे क्या है स्ट्रिंग के अंदर 22 है, तो ये उसका आंसर ट्रू देगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे मेरे पास होता है ट्रिपल इक्वल साइंस, एंड इसमें क्या होता है वो वैल्यू भी चेक करते हैं वैल्यू वन ठीक है, और उसकी टाइप भी चेक करते हैं, ठीक है। टाइप भी चेक करता है कि टाइप भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है सेम। और इस जगह पर क्या करेगा, वैल्यू ट्रू चेक करेगा उसके साथ पहले वाले के साथ, और उसकी टाइप भी चेक करेगा। और अब अगर हम क्या करें इस तरह करें तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर हम इस तरह करें फिर उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। सो ये जो है ना बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन इक्वल थ्री इक्वल्स एंड टू इक्वल्स, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर हम इस तरह करते हैं इस तरह, ठीक है। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये क्या करेगा, ये नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसमें वो डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, ठीक है। टाइप जो है वो चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, टाइप भी चेक करेगा, ओके राइट। सो ये हो गया। उसके बाद ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वल का ऑपरेटर, और ये मेरे पास नॉट इक्वल का ऑपरेटर, ठीक है। नॉट इक्वल विद द टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। लेस देन हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अब आ जाता है एंड एंड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद मैं लगा सकता हूँ कि नेम इक्वल टू ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ अबाउट मी डॉट नेम, ठीक है। और अबाउट मी डॉट एज, ओके राइट। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एंड कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। और भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके राइट। सो हमने देखा कि मेरे पास एंड ऑपरेटर अवेलेबल है, ठीक है, और आर ऑपरेटर अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक नॉट ऑपरेटर भी अवेलेबल है, नॉट कंडीशन, ठीक है। सो इसका मतलब कि एज जो है वो 20 से बड़ी या बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये था हमारे पास इफ़ के बारे में, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसके बाद एल्स इफ, तो तुम ये वाली कंडीशन चेक करो, ठीक है। सो अगर हम क्या करते हैं इसको सिंगल कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। इफ़ अबाउट मी डॉट एज ग्रेटर देन 20 देन डू दिस, ठीक है। अबाउट मी डॉट एज इफ लेस देन 20 इफ ग्रेटर देन 10, ठीक है। देन कंसोल लॉग 10 प्लस एज, ओके राइट। सो अभी हमने क्या किया है कि अगर एज जो है वो 20 से ज़्यादा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू आ जाएगी और ये वाला कोड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, और इसमें वो क्या करेगा कि इफ़ एज ग्रेटर देन 10 तो फिर वो ये वाला कोड जो है रन कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास एल्स इफ। तो एल्स इफ हम मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो एज यू नीड, ठीक है। लेकिन पहली इफ़ जो है वो हम सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ सारी लगेंगी, ठीक है। तो इधर हम 5 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बार के अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, लेट्स सपोज मेरे पास एज जो है वो 2 है, ठीक है। सो ये भी ट्रू, ये भी नहीं होगी करेक्ट, ठीक है। ये भी करेक्ट नहीं होगी, ये भी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एल्स इधर हम लगा सकते हैं, ये कंसोल लॉग ओ 0 प्लस एज, ठीक है। यानी आपकी एज जो है वो 0 से फिर ज़्यादा है, ठीक है। और वी कैन से एंड लेस देन 5 लेस देन इक्वल,
ओके राइट, अब हम देखते हैं हमारे पास वाइल लूप फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, एक हमारे पास फॉर लूप होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, वाइल लूप होती है। फॉर लूप क्या होती है, ये एक फाइनाइट नंबर के लिए होती है, यानी अगर हमें काउंट का पता हो, यानी मुझे लूप जो है वो 10 बार चलानी है तो फिर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता काउंट का, हमें नहीं पता वी हैव नो अबाउट दी काउंट कि हमने ये लूप जो है, ये जो काम है कितनी बार रिपीट करना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप। सो वाइल लूप क्या होगी, ये कंडीशन बेस होगी, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप चलती रहेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तब क्या होगा कि वो वाइल लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ओके राइट, सो फर्स्ट वन आई विल से फॉर लूप, ठीक है। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इफ यू कंसोल लॉग लॉग आई, ओके राइट। सो अब हम इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 से 9 तक वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैंने स्क्रीन्स को जब स्प्लिट कर लिया है वो, ताकि हम जो है इन चीज़ों को क्लियरली देख सकें कंसोल के ऊपर, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या होती है, वाइल कंडीशन होती है। वाइल कंडीशन में क्या होता है कि हम एक कंडीशन बेस इसको वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं कह देता हूँ काउंट लेस देन 10, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और कंसोल लॉग काउंट इज, ओके। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास काउंट क्या था, इस जगह पे हमारे पास काउंट 6 था, ठीक है, इधर हमने प्लस प्लस किया उसको, ठीक है। देन हम क्या कह रहे हैं कि काउंट इज 7, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 8, देन 9, देन 10। सो उसके बाद क्या होगा, 10 के बाद 10 लेस देन 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो फिर वो वाइल लूप को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ओके राइट, सो ये हमारे पास था फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस के बारे में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। एक हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होती है जिसको हम एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स ऐसे सम, ठीक है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, लाइक दैट, ओके। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम फंक्शन में, तो इधर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे के नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 एंड, और इधर से हम कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर रिटर्न ना भी करना चाहें तो फिर भी ओके, ठीक है। सो आई कैन से रिटर्न नम 1 प्लस नम 2, ठीक है, इसको मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ, ठीक है, सम ऑफ 2 प्लस 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, 2 प्लस 8 10 आ गया, ओके राइट। सो ये हो गया हमारे पास फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ ना करना चाहूँ, पैरामीटर्स कितने पास करना चाहूँ, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मी, ठीक है। अब दूसरे तरह एक और फंक्शन को, इस सेम फंक्शन को मैं जो है ना वो एरो फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। एरो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सो सबसे पहले कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा इस फंक्शन को सेव करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि लेट, ठीक है, माई सम, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब हम क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे हम, पेरेंथेसिस देन जे हम ब्रैकेट, इस तरह। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और इसको हम रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास सम वर्क कर रहा था, सेम लाइक दैट, अब ये माई सम भी वर्क करेगा, ओके। सो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अब सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने इस जगह पे एरो लगा दिया, ठीक है, इसलिए इसको एरो फंक्शन कहते हैं। उसके बाद इसको हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, इसको हम इधर कॉन्स्ट भी कह सकते हैं, इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं या लेट भी कह सकते हैं, जो भी हम डिफाइन करना चाहें, ओके राइट। सो अब इसमें जावास्क्रिप्ट में एक जो मज़े की चीज़ है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो ये कि हम जो फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है वेरिएबल प्रिंट लॉग्स का, ठीक है,
ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं अपना माई सम फंक्शन, ठीक है, इसको मैंने पास किया, लेट मी मेक लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ मैं, दूसरा सिंपल फंक्शन भी बना सकता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा दिल करे, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, प्रिंट लॉग के नाम से। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग्स, ठीक है, माई सम फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। उसको कॉल करने के लिए मुझे इस तरह करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यूज जो है मैं पास कर देता हूँ। और अब इस फंक्शन को, अभी मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट लॉग्स, ठीक है। इसको अब इस जगह पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, फंक्शन पास करना पड़ेगा। अब इसमें मैं सम का फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसके अंदर अपना दूसरा एरो वाला फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। सो बोथ विल क्रिएट द सेम आंसर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम किसी भी अपने पैरामीटर को और किसी भी अपने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। लाइक मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इधर कह सकता हूँ कि एरर कॉल बैक, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये वाला ऑपरेशन करूं, ठीक है, उसके ऊपर एरर आ जाए तो मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अगर सक्सेसफुली कॉल हो जाए, ये वाला काम हो जाए, तो फिर मुझे कौन से फंक्शन कॉल करना है, सक्सेस कॉल बैक, ठीक है। इसको हम कॉल बैक कह देते हैं कॉमनली। कॉल बैक होता है कि जब भी कोई काम हो जाए और जब भी ये फंक्शन अपना काम सारा डन कर दे, तो एट दी एंड हमने किसको कॉल बैक करनी है, ठीक है। इस तरह हम ये एक काम करते हैं, ठीक है। तो यानी हम किसी भी अपने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम काम जो अभी हमने किया था ना, उसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक दैट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा था कि इस सम फंक्शन को इधर से ये वाला माई सम फंक्शन पास कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इसी सम फंक्शन को डिक्लेयर ना करूं और डायरेक्टली पास कर दूं, तो फिर भी ये ओके होगा, ठीक है। फिर भी क्या होगा, ओके होगा। यानी मैंने क्या किया, इस सम फंक्शन को एक अलग से वेरिएबल में पहले स्टोर करवाया हुआ था ना, अब मैंने उसको वो नहीं किया, अब मैंने इसको डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दिए, ठीक है। अब भी मेरे पास आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये एरो फंक्शन का फ़ायदा है कि हम एरो फंक्शन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फंक्शन है ना, यानी इसको मैं इस तरह नहीं पास कर सकता, इसको मैं उसको मुझे इस तरह पूरा डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, फिर ही इस जगह पे मैं उसको पास कर सकूंगा उसके नाम के साथ, ठीक है। एरो फंक्शन का जो मेन पर्पज़ होता है, या जो कॉमनली वो जो यूज़ होता है, वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि उसको हम एज अ डायरेक्टली उसको हम पास कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग इट, मतलब हमें उसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम इस तरह उसको जो है ना वो पास कर सकते हैं, ओके, राइट। ये जो है ना, ये मेन चीज़ थी, ठीक है। इसी तरह अब हम कोई भी जो हमने ऊपर अरे डिक्लेयर की थी, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यूज़र्स की अरे डिक्लेयर की थी, अब उसके अंदर जो फिल्टर का फंक्शन है ना, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखो ना, तो इसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, वो कह रहा है फंक्शन दैट एक्सेप्ट, ये हमारे पास है फंक्शन, ठीक है। इसके ऊपर वो कह रहा है कि आप एक हमें ना फंक्शन दो, एरो फंक्शन, ठीक है। वो देखो क्या कह रहा है कि एक एरो फंक्शन हमें दो जिसके अंदर हम तीन वैल्यूज जो है ना वो आप पैरामीटर्स में ले सकते हैं, ठीक है। लेट मी मेक, ठीक है, ये मैंने बनाया एरो फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर अब मुझे तीन वैल्यूज जो है ना वो लेनी है। पहली क्या है, वैल्यू है, दूसरी क्या है, इंडेक्स है, तीसरी क्या है, अरे है, ठीक है। इसको मैं नहीं भी लेता तो इट्स टोटली ओके, ठीक है। अगर मैं फिल्टर करता हूँ, ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर भी है मेरे पास, दिस आर्गुमेंट्स, ठीक है, तो वो मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स की एरे को जब मैं फिल्टर करूँगा, फिल्टर करने के बाद मुझे जो यूज़र्स मिलेंगे उसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, ठीक है। ये हम अब देख रहे हैं किस तरह कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है एरो फंक्शन, हम जिस तरह हमने पढ़ा है, उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया है,
अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, जैसे मैंने फिल्टर नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न हो रहा है ना, तो रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। जब रिटर्न फॉल्स होगा ना, तो तमाम यूजर्स जो है ना वो क्या होंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, वो तमाम अरे में से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं करूँगा इसको ट्रू, तो वो तमाम के तमाम यूजर्स जो है ना वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस जगह पे बेसिकली हमें क्या करना होता है, कंडीशन लगानी होती है, जिस कंडीशन के बेस के ऊपर हम कौन से यूजर्स को रिटर्न करना चाह रहे हैं, कौन से यूजर्स को रिटर्न करना नहीं चाह रहे। ठीक है, इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, यूजर ऑब्जेक्ट कह देता हूँ। ठीक है, और इस जगह पे मैं लिखता हूँ कि वैल्यू डॉट एज ग्रेटर देन 20। ठीक है, सो किसी भी यूज़र की एज जो है वो 20 से ज़्यादा आई थिंक नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगर 22 कर देता हूँ, सो एक यूज़र हमारे पास चले गया इधर, जिसका नाम क्या है, यूज़र 1 है। ओके राइट, सो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, इसको मैंने फिल्टर किया और उसको रिटर्न मैंने ट्रू कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ कि वो वाला यूज़र उस अरे में ऐड हो गया। ये बेसिकली जो फिल्टर है ना, फिल्टर हमें एक क्या रिटर्न करता है, एक अरे ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, रिटर्न दी एलिमेंट्स ऑफ द अरे दैट मीट दी कंडीशन स्पेसिफाइड इन दी कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन जो भी इसको रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो वो उसकी बेस के ऊपर उस एलिमेंट को अरे के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरा कॉल बैक हो जाएगा, तो जो भी अरे बनेगी उसको वो रिटर्न कर देगा, जिसको मैंने कंसोल लॉग किया हुआ है। ठीक हो गया, तो इस तरह अगर मैं सिर्फ टू टू तो दोनों यूज़र्स आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की एज 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी 10 है और इसकी 24 है। ओके राइट, सो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन फिल्टर का। सेम लाइक दैट इंडेक्स का फाइंड का फंक्शन भी है। ठीक है, अब फाइंड का फंक्शन क्या कहता है कि ये एक वैल्यू मेरे पास रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न दी फर्स्ट एलिमेंट इन दी अरे वेयर दी प्रेडिकेट्स इज ट्रू। ठीक है, जिस जगह पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, उसको रिटर्न कर देगा। मैं कहता हूँ रिटर्न कर दो जिस जगह पे क्या हो, वैल्यू डॉट नेम इक्वल्स टू यूजर 1। ठीक है, तो जिस जगह पे ये कंडीशन ट्रू होगी, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। सो ये हम यूज़ करते हैं फाइंड, कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए अपनी अरे में। ठीक है, सेम लाइक दैट हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड इंडेक्स, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो हमें मिली है, इसका इंडेक्स कौन सा है, कौन से इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, सो वो हमें बता दिया, 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एवरी का फिल्टर होता है। ठीक है, एवरी हम यूज़ करते हैं पूरी अरे के ऊपर फॉर लूप चलाने के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास फॉर ईच भी होता है। ठीक है, फॉर ईच भी हम यूज़ करते हैं, लेट मी यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट फॉर ईच। ठीक है, इस जगह पे भी हमें कॉल बैक फंक्शन ही पास करना है। ठीक है, उसके अंदर क्या, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसके अंदर क्या है, सबसे पहले वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद उसका इंडेक्स है। ठीक है, सो इसको अगर मैं कंसोल लॉग करूं, वैल्यू कॉमा इंडेक्स, सो आप देख लोगे कि वो पहले हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू, वैल्यू पहला ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसका इंडेक्स आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर ईच, और सेम लाइक दैट हमारे पास क्या होता है, एवरी। ठीक है, अब एवरी एवरी के अंदर हमने क्या पास करना है वो भी अब देख लें। ठीक है, एवरी के अंदर रिटर्न्स दी वेदर दी ऑल मेंबर्स ऑफ द अरे सेटिस्फाई दी स्पेसिफाइड टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या करना है, हमने सेम काम करना है, वैल्यू, ठीक है, और कॉमा इंडेक्स। ठीक है, और ये चीज़ इधर मैं कह देता हूँ, रिटर्न इंडेक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग।
ठीक है, ये हमें चेक करके बताएगा कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है इंडेक्स इक्वल टू वन, ये तमाम यूज़र्स के लिए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर एवरी करेंगे तो तमाम के लिए, ठीक है। अगर हम करते हैं इसको एनी, आई थिंक ठीक है, मेरे पास एवरी का फिल्टर है, एवरी चेक करने के लिए कि हर एक पे ऊपर वो वैल्यू ट्रू हुई है कि नहीं। इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स, आई थिंक शायद इंक्लूड है मेरे पास, ठीक है, हाँ इंक्लूड्स। वेदर एंड रे इंडिकेट्स द सर्टेन एलिमेंट रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स एज अप्रोप्रिएट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो इंक्लूड्स हैं हमारे पास कि नहीं, ठीक है, यानी जिन जिन के ऊपर ये ट्रू आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूड्स होंगे। ठीक है, सो मैंने कहा कि इंडेक्स इक्वल टू वन, क्या वो वैल्यू इंक्लूड्स है कि नहीं। ठीक है, सो उसने कहा है कि सर्टेन एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो रिटर्न हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे पास इंडेक्स ऑफ जॉइंस, ठीक है, अगर हम लेंथ फाइंड करना चाहें लेंथ फाइंड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, अगर अरे को रिवर्स करना चाहें रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अरे को अगर हम स्लाइस करना चाहें, यूजर्स ऑब्जेक्ट डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस क्या होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए कहाँ से कहाँ तक हमें ब्रेक करके चाहिए, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, तो वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक होता है सप्लाइस, सप्लाइस होता है कि किसी एक एलिमेंट को या एक से ज़्यादा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, डिलीट काउंट कितने करने हैं हमें, 0 से करके मुझे 10 डिलीट कर दो, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ 2 से शुरू होके 10 तक जो है ना वो साहब को डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये सप्लाइस होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है रिड्यूस का फंक्शन है, ठीक है, रिवर्स है हमारे पास सम, अच्छा हाँ ठीक है, वो जो आगे इंक्लूड हम कर रहे थे तो उसके लिए हम उधर सम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे कि इंक्लूड्स जब हम ऐड करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये तमाम के वैल्यू, तमाम के लिए वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं। ठीक है, सो इंक्लूड और जो है ना वो एवरी जो है ना वो सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि सम किसी एक के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, किसी एक के लिए या एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा सम, तो अभी हमारे पास किसी एक का इंडेक्स तो 1 के इक्वल है ना, जो दूसरे नंबर पर वैल्यू है उसके लिए हमारे पास इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो उसने क्या किया, रिटर्न वैल्यू ट्रू कर दी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। ओके राइट, सो ये हो गया हमारे पास फंक्शंस, एरो फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास जो है वो रह गया क्लास के बारे में। ठीक है, अब क्लास किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद उसको हम इनहेरिट इस तरह कर सकते हैं या एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, क्लास क्या होता है, क्लास एक हमारे पास ना ओवरव्यू होता है किसी भी चीज़ का। क्लास में क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, सो क्लास एक कह लो कि हमारे पास स्केलेटन है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, जिस तरह मैं क्या कहता हूँ कार, ठीक है, और ये, और इसका जो सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इधर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और इसके लिए मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके राइट, तो ये मैंने क्या किया, एक कार का क्लास, कार की क्लास बनाई। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट कार 1 इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ सिविक, ठीक है, और सेम लाइक दैट मैं लिख देता हूँ सिटी, ठीक है, कार 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कार 1 डॉट नेम, ठीक है, और कार 2 डॉट नेम।
ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये कार। ठीक है, अब दिस क्या है, दिस क्या है कि अगर इस क्लास के अंदर अंदर आपको जो भी चीज़ें गेट करनी है, ठीक है, कोई फंक्शन गेट करना है, लेट्स सपोज मैं इधर फंक्शन बना देता हूँ कैलकुलेट का। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर आप निकाल करना है तो क्या करोगे, दिस डॉट कैलकुलेट। ठीक है, तो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो क्या करेगा, कैलकुलेट को कॉल कर देगा। ठीक है, सो अब देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने इसके लिए जब इसको कॉल किया, वो कंस्ट्रक्टर में गया, कंस्ट्रक्टर में जाके उसने कैलकुलेट को कॉल कर दिया, उसने कंसोल लॉक कर दिया। फिर वो इसमें गया, इसने कंस्ट्रक्टर में गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में उसने इसको कॉल किया और उसने कंसोल लॉक कर दिया। ठीक है, और देन हमने दोनों जो है ना नेम प्रिंट आउट कर दिया। ओके राइट, सो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस जो है ना वो बना सकते हैं, और इन फंक्शंस को हम इस आउटसाइड भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैंने दिस डॉट कॉल को कॉल किया। ठीक है, ओ सॉरी, इसको क्योंकि ये कोई रिटर्न तो नहीं कुछ कर रहा, ठीक है, तो इसलिए अनडिफाइंड आ गया। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, कार वन डॉट कॉल, ठीक है, कैलकुलेट। तो इस अब हमारे पास क्या हो रहा है, तीन बार जो है वो कॉल आ रहा है, पहले दो बार जो है वो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो अब एक बार कॉल जो हमने की है वो इस जगह पे की है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मेथड्स हैं और ये हमारे पास क्या है, मेम्बर्स हैं, या हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, सो अभी ये हमारे पास क्या, एक सिंपल स्केलेटन है, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए। लेकिन अगर मैं सिंपल इस तरह करता हूँ कार, ठीक है, कार डॉट नेम, ठीक है, तो ये इस तरह एक नेम मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और कैलकुलेट, और वो मेरे पास फंक्शन जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, सो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लास बना सकते हैं, और क्लास को हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इधर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं जो हम असाइन करना चाह रहे हैं इनको। ठीक है, सो इस तरह इस जगह पे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ सिटी। ठीक है, कि अगर यूज़र कोई वैल्यू पास नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिटी होगी। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि जब मैंने कार टू डॉट नेम लिखा है तो सिटी आ गया, क्योंकि इधर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। ठीक है, सो इट मीन्स के नेम जो है वो नेसेसरी नहीं है, अगर आप वैल्यू पास करोगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, अगर वैल्यू पास नहीं करोगे तो वो उसी वैल्यू को यूज़ करेगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा क्लास के बारे में। अब अगर मैंने इस क्लास को एक्सटेंड करना हो किसी और क्लास के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, क्लास, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जब आगे आगे हम फेजर के बारे में जाएंगे तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ नेसेसरी हैं, क्योंकि हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, हम कुछ फेजर के कुछ क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे, तो वो चीज़ें हमें इन चीज़ों का अगर नॉलेज होगा तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इधर बनाता हूँ, हमारे पास एक मैं बना लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर बना लेता हूँ एक क्लास व्हीकल के नेम से। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, अब मैं क्या करूँगा, कार को एक्सटेंड कर दूंगा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कार की मेरी क्लास है वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है, व्हीकल क्लास जो है उसको वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस जगह पे ये नेम मैं नहीं करता, लेट्स सपोज, ठीक है, और इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, और लेट्स सपोज, ठीक है, सो अब इस जगह पे हमारे पास ये नेम नहीं पास, मस्ट अ कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन, ओके राइट, तो इस जगह पे हमें क्या करना है, दिस डॉट सुपर, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। ओके, सो हमें इधर क्या करना है, सिंपल सुपर। ओके, सो अब अगर हम देखें तो इसका जो नाम है ना, वो नाम क्या प्रिंट हो रहा है, कार, तो
कार कहाँ से आया हमारे पास, वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस क्लास का मेंबर नहीं है, वो क्या है, इस क्लास का मेंबर है जिसको हमने एक्सटेंड किया है, और अब इस जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डॉट नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम जो है ये कार का नहीं है, ये एक्सटेंड किया है हमने कहाँ से, ये ऊपर वाली क्लास से, ठीक है। सो इसी तरह ही हम वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे किसका, फेजर का, उसको हम एक्सटेंड करेंगे, और हमें वो वाली सारी चीज़ें जो व्हीकल की होंगी वो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। यानी मैं इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू कार, ठीक है ना। सो इस जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ व्हीकल, ठीक है। सो इनिशियली व्हीकल होगी, लेकिन जब इस जगह पे आएगी तो वो कार बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कार टू कर देते हैं, लेट्स सपोज, तो कार टू आ जाएगी, ठीक हो गया। सो ये चीज़ हमारे पास होगी क्लास के बारे में, हम किस तरह कार क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो हमने आगे यानी जो चीज़ें आगे हमने एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए बस इतना ही हमें नॉलेज जो है ना वो इनफ है, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, फिर उसके बाद पार्सिंग, स्ट्रिंगिफाई, फिर उसके बाद हमारे पास अरे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस, आ जाती हैं डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, एंड और नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, एरो फंक्शंस, किस तरह हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन को कैसे हम पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अरे के ऊपर जो हम ऑपरेशंस ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, लाइक कोई फाइंड का, फाइंड इंडेक्स का, फिल्टर का, सम का, एवरी का, ठीक है। लेंथ वगैरह फाइंड कर सकते हैं अरे की। उसके बाद हम स्लाइस कर सकते हैं, सप्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाले ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास, क्लास को हम किस तरह बना सकते हैं, क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। फिर उस क्लास को एक्सटेंड किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। एक्सटेंड करने से क्या होता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं, वो एक्सेसिबल हो जाते हैं किसमें, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। ये था आज इस जो लेक्चर नंबर 3 का पर्पस, जिसमें हमने फुल डिटेल सीखी बेसिक्स ऑफ दी जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने देखा वेरिएबल्स, कंडीशंस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, देन हमने एरो फंक्शंस वगैरह, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा है कि वेरिएबल्स के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में, उसके बाद हमारे पास फंक्शंस के बारे में, लूप्स के बारे में, उसके बाद हमने क्लासेस के बारे में, एरो फंक्शंस वगैरह, अरे वगैरह, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम इसको यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को। सो आपने एटलीस्ट जो है इन सब चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।